रिकॉर्डिंग शुरू। भैया किधर आ गए? अभी ये देखो ना बेटा, सादा सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो लाइनें जो आपने नीचे से लगानी थी, ये जो आप बड़ी लाइनें लगाते थे, ये आप ये चीज़ बड़ी कर देनी है। बाकी सेम किताब की माने जाए ये भी। अमल नंबर वन हमारा ये है। अब इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, आगे तक बड़ा टीन बनाते हैं। अब ये वाली लाइन जो आपने सेंटर में एक लाइन पहले शुरू से विड्रॉ कर ले, जितना बड़ा आपने बनाना है, मेरी बात समझ रहे हो? और ये कोशिश कीजिएगा ये वाली लाइन टेढ़ी ना लगे। अगर लाइन टेढ़ी लग गई तो बस समझ लो कि आपका सारा काम खराब हो जाएगा। ये लाइनें आपने सीधी लगानी है। दो ना जरा मुझे वो प्रोटेक्टर होता है, वो दो दो हाँ, वो गोल सा होता है इस तरह से, उसको डी स्केल जल्दी जरा दो। अब ये वाली लाइन हम आप अंदाजे से लगाते हैं, अंदाजा जो है ना गलत भी हो सकता है सही भी। अब ये चीज़ आपने पहले लगा ली लाइन, और ये लाइन जो है यहाँ से हमने माप के इसको दूसरे लगाना है। अब ये चेक करना होता है कि ये क्या मैंने सही लगाया है, ये गलत लगाई है ये लाइन है। ये डी से पता चलता है ये हमारी लाइन गलत है, थोड़ी सी गलत लगी हुई है। ये लाइन हमारी यहाँ पे आनी चाहिए थी, यहाँ पे। अब यहाँ पे ये निशान लगा लेते थे, इतना फर्क है, और इतने फर्क में ही ये सारा बेड़ा गर्क हो जाता होता है। समझ रहे मेरी बात? ये लाइन लगाने, सीधी लाइन लगाने के लिए क्या करना होता है, ये डी का इस्तेमाल करते हैं। अब दो जरा, अभी ये हमारी लाइन सही है, 100% सही है। अरे अभी बातें शुरू कर दी आप लोगों ने। सर जी इनकी जब तक नहीं होगी, ट्यूनिंग नहीं होगी ना उस वक्त तक ये सही नहीं होते। ट्यूनिंग करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। मुबलायल बदलना, मुबलायल जो है ना इनका बदलता रहना चाहिए। बात सही है तेरी। अब ये हमने कितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से यहाँ पे आपने निशान लगा लेना। इधर से इतना चौड़ा करेंगे, यहाँ पे ये निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है, और इधर से यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक हो गया। फिर आवाज आ रही है, फिर आवाज आ रही है आप लोगों की। ये वाली लाइन ये हमारी टेढ़ी लगी हुई, ये वाली नीचे लगी थोड़ी सी, से यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद अगला जो मरहला है वो हमारा होता है, इसको ऊपर लेके जाना सारा। ये नीचे वाली साइड बेस हमारी तैयार हो गई है, ठीक है। अभी जो लाइनें हमने ये वाली लेनी है, ये वाली जो लाइनें लेनी है, ये वाली, इन चीज़ों का फिर हम डी इस्तेमाल करेंगे। डी किस कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, किस लाइन से डी का इस्तेमाल करते हैं, इस नीचे वाली लाइन से। ये हमारी लाइन लगनी है यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, ये नुक्ता जहाँ पे ये नुक्ता आ रहा है हमारा, ये वाला नुक्ता। अब ज़रा डी का इस्तेमाल देख रहे हो आप किस तरह से कर रहा हूँ मैं। अभी ये लाइन रिमूव नहीं करनी थी आपने, ये इसके सीधा नीचे ला के ना, ये यहाँ पे ये नुक्ता नीचे आ रहा है इसके। अब ये 90 का आ रहा है यहाँ पे, और इसी तरह इधर से आपने लगा लेना है। जितना बड़ा ये आपने बनाना है उसी हिसाब से ये बड़ी लाइन लगा लेनी है, ठीक है ना। ये यहाँ तक का जहाज लगेगा पूरा, तीन लगेगा, वाकई वाकई तीन बनना।
हम इन चीज़ों को एक्स्ट्रा लाइनों को रिमूव कर देंगे आप जो भी। यहाँ पे बातें करने वाले, मश्किलियाँ करने वाले, ये पीछे आप वो